बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत करम फज़ल शुक्र के साथ आज का लोग करते हैं जी शुरू। अगर प्रतिक्रिया मेरे चैनल पर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और तो वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर देगा शुक्रिया। अभी जी सुबह सुबह का टाइम है और आप लोग देख सकते हैं मौसम कितना ज्यादा अच्छा हुआ पड़ा है। किस तरह का लग रहा है मौसम को मन बखला देगा, बादल ही बहुत ज्यादा आए हुए हैं और काफी ज्यादा अच्छा माहौल हुआ है, मौसम काफी ज्यादा अच्छा है। आप लोगों के सामने क्या सूरत हाल बनी हुई है। तो बाकी मुझे ना यहाँ पर रहने में बहुत मजा आ रहा है, सुकून भी है। हमारे ना रिमिया खान में बारिशें हो रही हैं, पर अगर इस टाइप का मौसम नहीं होता इधर ना तकरीबन टेम्परेचर ना होता है तकरीबन 20 के नज़दीक नज़दीक, ठीक है 20 के नज़दीक नज़दीक 30 तक चला जाता है अगर ज़्यादा धूप निकले, वहाँ पर 40 से भी ऊपर चल जाता है टेम्परेचर बेशक बारिश हो गया हटे। तो बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं जी आप लोगों को भाई जहेब वालों का नया घर दिखाने के लिए जो बन रहा है जी भाई जहेब वालों के खेतों में डेरे पर वजह वहाँ बन रहा है, तो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। भाई सुहेब ना वो सामने गाय को लेके गए हैं, भाई सुहेब कहते हैं बाइक लेके वहां पर आ जाओ, वहां से इकट्ठे चलते हैं। फिर मैं भी चलता हूँ बाइक लेके वहां पर, वहां चलता हूँ बाइक लेकर, बाइक लेके फिर आगे चलते हैं इकट्ठे। मैं आके बाइक वहां पर खड़ी कर दी और भाई सुहेब ना बच्चों की बिजली लगा रहे हैं, छक्का मार लेंगे। चलो उछली नहीं बहुत सही तरीके से, ओ गई नजदीक ही है मिल जाएगी तेरी। दाऊद बेचारे की बिजली लग रही है, कैसा फील हो रहा है? मैं क्या खेलने दिया? हैं? खेल दी नहीं भाई, उन जिला आने चाहता। उन जी यार तेरे के साथ जड़ खेल रहे थे। वो सारे इसको छोड़ चलेगा, गाइम फंसे वो लोग ये रही। दाऊद की बारी है, दो छक्का लगाएगा। ओ आ डेगी नड़ई। हेलो हेलो हेलो, तू चलाना मोटरसाइकिल। आप लोगों को जाके दिखाते हैं नहीं भाई भाई वालों के घर का काम कहाँ तक पहुँचा है। काफी ज्यादा बन गया, मैं तकरीबन 2 दिन पहले गया था वहाँ पर और काफी ज्यादा दीवारें ज्यादा बन गई थी। क्या लगता है कितने दिन तक लेंटर में काम आ जाएगा? 6 से 7 दिन। 6 से 7 दिन प्लस्तर तो भी करना ही नहीं, प्लस्तर तो बाद में होगा। 6 से 7 दिन लगेंगे, दीवारें मुकम्मल करनी है, दरवाजा भी लग जाएगा। दरवाजा पता नहीं, जैसे दबावांगे तो फिर लग जाएगा। हाँ अगर भाई सुहेब लगवाएंगे तो लग जाएगा क्योंकि पिलर वगैरह सब कुछ बन गया है। भाई सुहेब वालों ने अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है, मुंजी का यहाँ पर देखें लोगों ने मुंजी की पनीरी भी काश्त कर दी है। कितनी ज्यादा जगह पनीरी की काश्त किया, मानेंगे आप लोग कितनी ज्यादा जगह है देखें। मेरे ख्याल में बेचने के लिए काश्त किया ना, खुद लगाएंगे। इतनी ज्यादा जमीन है इन लोगों की, कितनी ज्यादा लोगों ने मुंजी काश्त कर दिया, ये देखें कितनी ज्यादा मुंजी जगह पे की दिया। यहाँ पर ना जगह खराब है और हम लोग उतर गए, मैंने कहा मैं गिरी ना जाऊँ, वो सामने आ गया जहाँ से मुंडा है, ये यहाँ जगह ठीक हो जानी है, यहाँ से इससे आगे जगह ठीक हो जानी है, यहाँ खराब है, घास के ऊपर चला रहे हैं बाइक भी हम लोग। चलते हैं अभी, मैं तो जा रहा हूँ स्लो उतर के, बस सुहेब आ रहे हैं बाइक पे। ड्राइवर पक्के हैं। हम लोग फुल नज़दीक आ गए हैं और दोबारा से आगे रास्ता खराब है, पानी तो ना काफी ज्यादा जमा हुआ है, ये देख सकते हैं रास्ता खराब हुआ है। बाकी और तो कोई टेंशन नहीं है, बैठ तो जाए पर बाइक स्लिप हो जाना। ट्रैक्टर लेके गए हैं, हाँ सच ट्रैक्टर लेके गए हैं जिसकी वजह से जगह खराब हुई है। सारी की सारी, थोड़ी भी नहीं, सारी की सारी, सारा रास्ता वो वहां तक ना खराब है, नहीं लग रही बाजी। फुल सोच के साथ प्लानिंग के साथ यहाँ से निकला जा रहा है, ये रास्ता ठीक है बाकी यहाँ से उन्होंने टर्न करना, बाकी यहाँ से खराब है। नहीं डेग दे रेज हो बोती, पहले गियर से कर लो, मैं रोज रेज हो गए निकल आएगा बाहर। पहुंच तो गए हैं जी हम लोग यहाँ पर, भाई सुहेब का नया घर बन रहा है। रास्ता इतना ज़्यादा खराब था और भाई सुहेब सोलर प्लेट यहाँ पर कैसे आई है, मेरे ख्याल में कैरी डब्बे पर रख लेके आए हैं, पर रास्ता इतना खराब है कैरी डब्बा कहाँ से आना है इधर, तो फिर इस तरह लग रहा है बाइक पर लेके आए, पर समझ लग रही किस तरह लेके आए, जिस तरह लेके आए वो सामने पड़ी हुई है। बाकी देखें जितनी जितनी दीवार उन थी ना उधर उधर तक पहुँच गई है, तकरीबन 2-2 रद्दे रह गए, 3-3 रद्दे सामने से, बाकी वहाँ से इस साइड से कंप्लीट हो गई है पूरी मेरे ख्याल में, पक्का नहीं पता, एक बार भाई सुहेब से मिस्त्री से पूछ लेते हैं। मिस्त्री साहब सामने कंध पूरी हो गई, सामने जेड़ी लगी है ये भी नहीं हुई पूरी, ये वाली पूरी हो गई है, ये भी थोड़ी सी ऊपर जानी क्योंकि इसके ऊपर डालना लेंटर, इसीलिए कमरे है ना यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर यहाँ से भी कमरे की ऊपर जाएगी थोड़ी सी,
और यहाँ से बाकी ये जो है ना ये वाली ये पूरी हो गई सारी दीवार, और यहाँ पर भी मिस्त्री वगैरह लगे हैं। आज ये दीवार भी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बराबर सारी इसके बराबर बराबर हो गई सारी, आज ये भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर कल ही कमरों का काम शुरू हो जाएगा। एक कमरा ये है, एक वो है, एक वो है, वो छोटा मेरे ख्याल ये वाशरूम है। और देखें अभी इसकी आधी आधी हुई हैं, चौगाठियाँ लग गई हैं, आधी आधी दीवारें हुई हैं इसकी, अभी आधी आधी और होनी है, चौगाठियाँ लग गई हैं, इसकी भी लग गई है, उसकी भी लग गई है। भाई जो हेब कह रहे थे कि ना ये चौगाठ ना सही नहीं लगी, इसकी चौगाठ ना सेंटर में होनी चाहिए, पर मिस्त्री साहब कहते ठीक है, मिस्त्री साहब ने फुल उनको ना मना लिया कि इसको इधर ही रहने देना है, तो बाकी अभी यहाँ पर लगे, वरना ये चौगाठ जो थी ना ये सेंटर में लगनी थी, सेंटर में लगती, उसके बाद आगे यहाँ पर पिलर लगने थे और वो इतना डल नहीं थे छत, तो फिर प्यारा लगना था। फ्रंट साइड से भाई वालों के घर का ये व्यू है कुछ, ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ना आप लोगों को वहाँ साइड से जाके ना दीवार दिखाता हूँ, दीवार की हाइट बाहर से कितनी ज़्यादा है, अंदर से तो थोड़ी सी लगती है, पर मैं आप लोगों को बाहर से जाके दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा है। और ये भाई जुहेबल ने ना चरी कास्ट की हुई है, चरी जानवरों के लिए जो पट्टे छटे होते हैं ना वो, और बाहर से देखें दीवार कितनी ज़्यादा बड़ी है, बाहर से देखें दीवार कितनी ज़्यादा बड़ी है, अंदर से छोटी सी लगती है और बाहर से मेरी हाइट की डबल है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें आप लोग, ये मेरी हाइट है यहाँ यहाँ तक, और दीवार देखें वो कहाँ कहाँ तक, ऊपर ऊपर तक दीवार है, और मेरी हाइट देखें कहाँ कहाँ तक मेरी हाइट आ रही है, या बाहर ज्यादा बड़ी दीवार है, कोई चढ़ नहीं सकता इसके ऊपर, दीवार के ऊपर। और जानवरों के लिए चरी काश्त की हुई है देखें माशाल्लाह, वो भाई जो हेबलों का ट्यूबवेल लगा हुआ है पीटर, ये भी अगर गर्मी होती है ना, फुल गर्मी होती सूरज वगैरह आता तो फिर चलाते हैं, अब चलाने का फायदा ही नहीं है। जब भी चरी को पानी लगाने की बारी आती है तब बारिश आ जाती है, फिर चरी को पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और देखें खुद ब खुद ही इतनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह, एक दो बारी पानी लगाया फिर उसके बाद बारिश लग पड़ी, बारिशों का मौसम आ गया तो इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, पानी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर धूप निकलती और बारिश ना होती तो फिर इसको पानी लगाने की जरूरत पड़नी थी, फिर चलाते पीटर। हाँ खुला ही खर्चा, एक बार 60 रुपए देकर खुला ही खर्चा कर दो। चाचू कौशल कहते हैं भाई सोहेब को हमें ना कट्टे की बिरयानी खिलाओ, कैसे कट्टे की, कट्टा कितने रुपए किलो पता चाचा, पता क्या रुपए कट्टा किलो, 800 रुपए किलो, 800 रुपए किलो, चोल अच्छे वाले बनस्पति किन्ने हो गए, 1150 नहीं नहीं मसाला बिच जेडे मसाले पैने ने वह किन्ने होने दे ने, किन्ना हो गया 1450 ते पकवाई 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 खानी बिरयानी हुण बनने पे, और मैं वो आगे से जाके निकलूंगा जहाँ साफ रास्ता था, दोबारा उतरना ही ना पड़े, मैं स्लो स्लो चली जाता हूँ, बाइक से जो है ना वो बाइक लेके स्लो स्लो आते रहेंगे यहाँ से, क्योंकि रास्ता यहाँ पर फूल खराब है, ट्रैक्टर ने काम खराब किया हुआ है, ट्रैक्टर जैसे गुजरते हैं रास्ता उसी वक्त ही खराब हो जाता है, वो भाई से फंस गया वहां पर वैसे वहां फंस गया, मैंने कैमरा ऑन कर लिया, मैंने कहा कटी मैं क्या वीडियो बना रहा, वो वीडियो बनाने के चक्कर में देर में निकल आया, अभी जा रहा हूँ मैं भी, और मुझे भी डर है मैं गिर ना जाऊँ कहीं पर, नीचे जमीन में पानी और हाइम ढाइंग नीचे, तो गिरिंग एंड बचिंग सट, आगे सारा रास्ता साफ है, अब मैं बैठूंगा बाइक पे, की कहने पे जी मैं क्या वीडियो तो बने ना नाल दिखांगे तेन वेखी जाएगी जान दे ओ खड्डा नहीं बड़ा हरा दिखांगे तेन वेखी जान जाएगी जान दो अज ए तो जी मैं कैमरा ऑन ही मैं कैमरा
मैं कैमरा बंद नहीं करना, डिगेंगे तो देखी जाएगी, रिकॉर्ड होएगा सारा कुछ। ध्यान अड़ियो। माशाल्लाह घर देखें बस, बोलूंगा कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वो रेड और ब्लैक कलर हुआ ना ऊपर नीचे, अभी सारा जब कलर हो जाएगा ना और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। तब ये देखें माशाल्लाह, वो जो ऊपरली पट्टी ऊपर ब्लैक, नीचे रेड, फिर ब्लैक, फिर रेड, इधर भी अभी किस तरह क्रीम कलर होगा, उसके बाद यहाँ पर भी ब्लैक रेड, फिर यहाँ क्रीम कलर होगा ब्लैक रेड, इस तरह पट्टी बनेगी और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अभी किस तरह का लग रहा है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। फ्रंट व्यूज़ का ये है, ऊपर टैंकी है, टैंकी के ऊपर जो डिज़ाइनिंग बनी थी उसके ऊपर भी रेड कलर कर दिया, और अब माशाल्लाह ज़रा खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों ने कमेंट में एक बार माशाल्लाह ज़रूर लिख देना। आ रहे हैं लोग, पहुँच गए, मैं रस्ते में उतर गया था, मैंने कहा मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ किस तरह का आ रहा है। मैं रस्ते में उतर गया था, बाकी मैं भी घर पहुँच गया हूँ, चलते हैं अंदर। और अनीब ब्रेक है, छुट्टी ब्रेक और वो असद की छुट्टी होगी। हाँ असद आ गए मेरे को सबूत आ गया। भाई सुहेब की जूती गंद लगा, मिट्टी लगी हुई है। भाई सुहेब कहते ये भाई सुहेब की जूती है ना। भाई सुहेब कहते मैं जाके दसा सुरेश ने आज जूती पाई थी, पर मेरे पास सबूत आ गया मैंने ये जूती पहनी हुई थी हूँ। ठीक है तो जी यही तेरी हमारी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ सुरेश मान को दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।